साथियों नमस्कार। साथियों, हरियाणा में एक नई बात और सामने आई है कि बीजेपी ने किसानों और मजदूरों को आपस में लड़वाने का एक और षड्यंत्र रचा है कि वो गेहूं की थैलियां, छोटी छोटी थैलियां गेहूं की बांट रहे हैं और उस पे मोदी जी की फोटो उन्होंने लगा दी है। तो जानबूझकर उनको पता है कि किसान विरोध करेंगे, मजदूर कहेंगे किसान हमें हमारा गेहूं रोकते हैं, हालांकि वो हमें इस तरह से छोटे छोटे लालच में दे के वोट हथियाना चाहते हैं और अपनी एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं। और वो सरकारी थैलियां हैं, सरकारी थैलियों पर इस तरह से फोटो लगाना ही गलत है, इस तरह से एडवर्टाइजमेंट करना ही गलत है। कई जगह हमारे लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है और कई जगह वो थैलियां जलानी शुरू कर दी हैं। तो साथियों, मेरा अनुरोध ये है कि हमें आपस में मजदूर और किसान, हम एक ही गांव के रहने वाले, एक ही तरह पढ़ने वाले लोग हैं, हम सब की एक ही तरह की जीवन शैली है। हमारी जो लड़ाई है वो पूंजीपतियों के खिलाफ है और सरकार के खिलाफ है, हमने आपस में नहीं लड़ना है। तो उसमें एक तो मेरा अनुरोध ये है कि कई जगह बीजेपी वाले अपने नंबर बनाने के लिए वो थैलियां बांटने जा रहे हैं, जहां वो थैलियां बांटने जा रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी नहीं बांट रही है, वो सरकार बांट रही है। बीजेपी अपने घर से, अपने फंड से नहीं दे रही है, सरकार दे रही है। और अगर बीजेपी वाले इस तरह से जाके वक्त करते हैं तो उनका विरोध करें, लेकिन शांतिपूर्वक करें, सीमा में रह के करें। एक दूसरी चीज, वो जो थैलियां जलानी शुरू कर दी है उनमें मेरा अनुरोध है कि जो मजदूर भाई हैं उनको जितनी गेहूं उनको देनी है जरूर दें, लेकिन उनके थैले में डाल दें और वो थैला वहीं खाली करवा लें, और जो खाली थैले हैं उन खाली थैलों को जलाएं, नष्ट करें, जो मर्जी करें, लेकिन गेहूं जो है वो उन मजदूरों तक जरूर पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि वो ये ना कहें कि किसानों ने हमारा गेहूं रोक दिया है। हमें आपस में तालमेल बना के चलना है। मेरी सभी मजदूर भाइयों से अनुरोध है कि जो मजदूर भाई भी गेहूं लेने जाए वो अपना थैला साथ में ले जाए, अपने थैले में डलवा कर ले आए। और जो कोई भी गांव का आदमी है वो बीजेपी वालों को अपने नजदीक ना बिठाए, अपने नजदीक ना लगाए। हमारा भाईचारा है, हम सारे शोषण का शिकार हैं बीजेपी की नीतियों के और सरकारी तंत्र के, हम शोषण का शिकार हैं, हम कारपोरेट के शोषण का शिकार हैं, हमें उससे बचना है। ये लड़ाई हमारी सबकी, किसानों की, मजदूरों की, दुकानों वालों की, हमारी सबकी लड़ाई है। हमें सबको ये केवल भीख के ऊपर जिंदा रखना चाहते हैं, हमें इतना शोषण हमारा करना चाहते हैं कि हम जिंदा रहने काबिल ना बचे। तो साथियों, मेरा अनुरोध है कि इस लड़ाई को इस तरह से लें, बीजेपी का विरोध जरूर करें लेकिन सीमा में रह के करें, और जो थैलियां हैं वो खाली कर लें, भरी अनाज जो है वो गरीबों को जो देना है वो दे दो, खाली थैलियों को किसी तरह से नष्ट करें, बस इतना ही रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपस में कोई झगड़ा ना करें।